हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको अपना लॉन दिखाना चाह रही हूँ और लॉन को हमने कैसे बनाया है, हम इसकी कैसे केयर करते हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए। और देखिए, कोई भी गार्डन बिना लॉन के तो अधूरा सा लगता है। यदि आपके पास थोड़ी भी जगह है तो लॉन बनाएं और ग्रास को लगाएं। मैंने इसको कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके की घास आप अपने लॉन के लिए लगाएं। तो ग्रास कई तरीके की आती हैं। एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं जिनमें जड़ें होती हैं, और उनको आप थोड़ी थोड़ी 6-6 इंच दूरी पर गाड़ के लगा सकते हैं। और एक इसकी शीट्स आती हैं। यदि आपको तुरंत ही तैयार चाहिए लॉन तो उसकी शीट आती हैं, वो सबसे ज़्यादा सरल होती है और उनको हम बिछाते जाते हैं और बहुत आसानी से उससे तुरंत ही लॉन तैयार हो जाता है। तो पहले आपने देखा होगा मेरा इस साइड में लॉन ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर इसमें गोड़ करके उस शीट को फिर बिछाया। देखिए, इधर इतना अच्छी सी ग्रोथ अभी नहीं हुई है इस साइड में। मैं उसकी आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहती थी उस समय, लेकिन मेरे यहाँ फंक्शन था तो मैं उसे कर नहीं पाई। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि यदि आपका ग्रास कहीं ख़राब भी हो जाए तो उससे गुड़ाई करके आप दूसरी शीट ला करके लगा सकती हैं। तो इसमें कई तरीके की आते हैं। एक कोरियन ग्रास की शीट आती है, इंग्लिश ग्रास भी बोलते हैं। ये मेरी सिलेक्शन वन की ग्रास है। कोरियन ग्रास थोड़ी महंगी पड़ती है और सिलेक्शन वन की थोड़ी इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती है। तो मैंने ये सिलेक्शन वन की ग्रास सीट लाई थी और उसको मैंने लगाया था। उसमें नीचे मिट्टी बहुत होती है और जड़ें होती हैं, तो उनको बिछाते चले जाते हैं और तुरंत लॉन तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जहाँ भी लगाएं तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें कि इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। जिस एरिया में आपके धूप आती हो वहीं आप घास लगाएं। जहाँ भी आपके धूप नहीं आएगी वहाँ आपकी ग्रास अच्छी चलेगी नहीं। देखिए, यहाँ हमारे अमरूद के पेड़ की आड़ पड़ जाती है, तो देखिए यहाँ उतनी अच्छी घास नहीं चलती है। मैं आपको केवल अच्छा ही अच्छा नहीं दिखाना चाहती हूँ, जो कमियाँ होती हैं उसको भी मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए पेड़ की आड़ पड़ती है तो उतने अच्छे से नहीं चलती है। और सर्दियों में तो इधर की मेरी ख़राबी हो जाती है, क्योंकि इधर सर्दियों में सूरज जो है उधर से घूम के चला जाता है, बिल्कुल ही धूप नहीं आती, तो मुझे इसमें फिर दोबारा लगाना पड़ता। लेकिन अभी इस समय तो सूरज ऊपर रहता है तो धूप पूरे में आ रही है। ये देखिए, तो आप ऐसे जगह ज़रूर सिलेक्ट करें जहाँ पर आपके धूप हो, वहीं आप घास लगाएं। बिना धूप के घास बिल्कुल नहीं चलनी है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैंने इसको क्या किया था, सबसे पहले ये पूरा एरिया इतना ज़मीन था, इसको मैंने 5-5, 6-6 इंच तक गुड़ाई कर ली थी। और गुड़ाई करने के बाद इतने एरिया में मैंने करीब इसमें 1.5 बोरी 2 बोरी करीब गोबर की खाद को मैंने इस पर छिड़क दिया था पूरा। और उसके बाद उस पर हमने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाला था, पूरा छिड़का था, और फंजीसाइड डाला था। और इन तीनों को डाल करके अच्छे से पटरे से हमने इसको मिक्स करके लेवल बना लिया था, पूरा लेवल बना करके। और फिर वो सीड्स में ला करके इसमें बिछाती गई थी और पैरों से अच्छे से उसको दबा दिया था, उसको किसी चीज़ से प्रेस कर दिया पैरों से अच्छे से चलिए। तो इस पर आप जितना अच्छा चलेंगे उतना ही अच्छा ये दबता है और बढ़िया रहती है घास। ये इसका, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने इसको लगाई, ये सिलेक्शन वन वाली ग्रास हमारी लगी हुई है। इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हर महीने इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और मैं 1-1 महीने पर इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसमें खाद भी डालती हूँ, ये देखिए। और पानी आप इसको स्प्रे करके दें अच्छे से, इस समय गर्मी है तो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आप पानी धूप को देखते हुए दें। जिधर धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो वहाँ पानी आप जो है डेली ही छिड़काव करें। लेकिन जहाँ पर छाया पड़ती है, जहाँ इतनी मिट्टी नहीं सूखती है, वहाँ पर आप जो है पानी कम दें। देखिए, पानी के अधिकता से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। यदि आपका पानी भरा रहा तो भी ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है कि वहाँ अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो पानी आप
धूप को देख करके दें कि किधर की ओर धूप ज़्यादा पड़ रही है और किधर की ओर धूप कम पड़ रही है। देखिए हम दोनों साइड से आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये देखिए। और आपको कुछ लगे इसमें तो फंजीसाइड थोड़ा सा मैंने इसमें भी यहाँ पर मुझे लग रही थी प्रॉब्लम, तो मैंने इसमें फंजीसाइड का छिड़काव घोल करके डाला था इसको। फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ग्रास में आती है, देखिए आप पूरा दिखाना चाहिए। और ये देखिए मैंने साथ में आपको ये भी दिखाती हूँ, मैंने ये जो देखिए ये मैंने हेज लगाई थी आपके साथ, इसका वीडियो शेयर किया था डोरंटा की। ये देखिए ये मेरी हेज तैयार हो रही है, ये देखिए जब ये और बड़ी हो जाएगी कटिंग हो जाएगी और तब मैं दिखाना होगा मेरे पौधे। देखिए आप ये हैज मेरी लग गई हुई है और ये चारों ओर हैज लग जाएगी तो और हमारा गार्डन देखने में सुंदर लगेगा। तो आइए फिर आते हैं, आप कहेंगे बीच में हैज दिखाने लग गई, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि थोड़ा हैज से भी हम अपने गार्डन को कैसे सुंदर बना सकते हैं वही मैं दिखाना चाह रही हूँ। और देखिए फिर अब ग्रास पे आते हैं, तो अब हम इसको फर्टिलाइज कैसे करते हैं, फर्टिलाइज़र इसको हम अपना क्या देते हैं जिससे हमारा इस ग्रास का लश ग्रीन कलर आए। तो ग्रास के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, इसको जो जिसमें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद में पाया जाता है। तो आप इसको गोबर की खाद शुरू में हम लगाते हैं तो देते ही हैं, लेकिन बीच बीच में भी हम इसको गोबर की खाद देते हैं। तो हम गोबर की खाद इसमें किस तरह से डालते हैं, हर जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं उसके बाद हम एक डेढ़ महीने पे इसकी कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद जो है हम इसमें इस गोबर की खाद किस तरह से डालते हैं वो आपके साथ दिखा रही हूँ। ये हम इसका यूँ करते हैं, देखिए ये हमने ये गोबर की खाद हमने तैयार कर रखी है, इसको हमने पानी में घोल दिया है। आपके पास वर्मी गोबर खाद नहीं वर्मी कंपोस्ट है तो उसको भी आप जो है बहुत छान के आप महीन महीन कर लीजिए गोबर की खाद को, बिल्कुल उसमें डेले बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, एक तरह से चलने से मैंने इसको छाना है। छान करके आप इसको ऐसे पानी में घोल लीजिए। और एक चीज़ आप फ्रेंड्स करिएगा, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, देखिए इसको आप इस तरीके से कोई नुकीली चीज़ ले लें इस तरीके से थोड़े छेद टाइप कर दें बीच में, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे छेद बनाने, इससे क्या होगा और छेद बना के आप एक दिन छोड़ दें पूरा इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे, इससे एरेशन की प्रॉब्लम जड़ों में जो है इसको अच्छे से हवा मिलेगी इस तरीके से जब छेद। और दूसरा ये भी अच्छा होगा कि एक दिन जब हवा मिल जाए उसके बाद दूसरे दिन इसमें ये लिक्विड खाद डालें आप, तो अंदर तक हमारी जड़ों तक ये गोबर की खाद ऐसे आप करेंगे तो गोबर की खाद आप तक पहुंचेगी। अब उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से घोल के ऐसे आपने घोल लिया और इस तरह हमने लिया फट, और फिर हम इसको इस तरह से फिरते हुए इस तरीके से इसको फर्टिलाइज करेंगे इस तरीके से हमारी ये खाद जो है पहुंचेगी। इसमें बहुत नाइट्रोजन होता है, ये देखिए ये करीब आप 2 महीने में एक बार इसको आप डालें इस तरीके से, छेद करने के बाद आप इसको इस तरीके से डालें तो हमारा जो है कि इसको गोबर इसकी छेद के जरिए इसके अंदर पहुंच जाएगा और हमारे जो ग्रास है ये फर्टिलाइज हो जाएगी। आप ये काम करिए इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देने का तरीका है, और बरसात के मौसम में तो आपको बिल्कुल इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि जो बरसात का नेचुरल पानी होता है उसमें इतनी नाइट्रोजन और इतने मिनरल्स होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब पानी बरसता है तो पौधे कितने खिल जाते हैं। तो वो पौधे इसीलिए खिलते हैं कि उनको नेचुरल मिनरल्स इतने मिल जाते हैं कि उन्हें और कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप यदि घास लगाएं तो बरसात का टाइम चुनें तो ज़्यादा अच्छा है, उस समय बिल्कुल फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से आपने देखा है पौधा बढ़ता है। तो इस तरीके से आप इसको
फर्टिलाइज करें और ग्रास की थोड़ी केयर करें, और कभी कभी मैं इसमें डीएपी को दाने भी घोल करके बदल बदल के देती हूँ। डीएपी के दाने भी मैं इसमें घोलती हूँ और पानी में करीब एक बाल्टी पानी जो ये हमारी 10 लीटर की बाल्टी है इसमें 1.5 चम्मच डीएपी के दाने घोल करके उसको भी मैं बीच बीच में कभी कभी अपने ग्रास में डालती रहती हूँ। ये देखिए, और बीमारियों में थोड़ा सा यही फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसमें आप फंजीसाइड वगैरह डालते रहें। तो फ्रेंड्स, यही हमारी ग्रास की जानकारी थी। लॉन, आप छोटा सा लॉन तैयार करें। लॉन बिना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पौधे कितने भी सुंदर लगा रखे हैं, देखिए हमारा लॉन कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इस साइड से भी देखिए लुक वाइज ऐसा दिखता है। ये देखिए, और हमारे इस तरफ के भी प्लांट्स देखिए, ये हमारी कोठियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। कोचिया के प्लांट्स लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे शेयर करें। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी या नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमियां भी आप बतला सकते हैं, और जो अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां बताइए प्लीज़, और कमियां हैं तो आप कमियां बताएं, आप सजेस्ट करें हमें। ऐसा नहीं है कि हम ही आपको सिखाएं, आप भी हमें कुछ सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।